साबिद तुम हर जानो आवे जानो हम रुलते फिर सतगुर संग की रे आम आम आवे दावे गुर सतगुर संग की रे हम तावे धन 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 धन
धन धन धन धन धन धन धन धन धन गुरु नानक जन केरा जन सब लोग संतावे जित मिले चुके सब लोग संतावे आनंद गुण निदा गुण निदान गुण निदान गुण निदान गुण निदान गुण निदान गुण निदा गुरु गरीब भरवा गुरु गरीबन वाल गरीबन वाल गरीब आज गरीब तनासरी महला पंजवा धन गुरु अर्जन देव जियो जय हर सिमरन भया हर सिमरन भया जय हर सिमरन भया जय हर सिमरन भया ऐसे समय का राग है जेड़ा समा बतीत हो रहा पाप की संध्या कालीन तो पहले दोपहर तो बाद तनासरी जय हर सिमरन भया जय हर सिमरन भया तैं उपाद गात के
तह उपाद गत गिने वट पागी पागी हार जपना जन नानक का गुर एह मत दीन जन नानक का गुर एह मत दीन जप हर भव जल तरना जय हर सिमरन सिमरन भया हर सिमरन भया हर सिमरन भया तैं उपाद गत गिने बड़ भागी हर जपना ध्याये मेरे जियड़े सो ऐसा ध्याये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना ता सर्व सुख पावे मना 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 कै हर सिमरन भया कै हर सिमरन भया कै हर सिमरन भया तै उपाद गत के वट पागी हार जपना हर पागी हर जपना जन नानक का गुर ए मत दीनी जप हर भव जल तरना जय हर सिमरन भया जय हर सिमरन भया सिमरन भया
मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुख उजल होई सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जब मन
सिमरन भया भया जय आर सिमरन भया जय आर सिमरन भया जय आर सिमरन भया वाहे गुरु भाई गुरदास जी दी ये पावन पवित्र वचन भाई साहब भाई गुरदास जी विद्या मारदंड धन गुरु अर्जन साहब जी के समय जो गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हो रही सी गुरु अर्जन साहब जी महाराज बाणी लिखवा रहे सन ते भाई गुरदास जी बाणी लिख रहे सन लिखण वाले बाणी लिखवाण वाले गुरु अर्जन साहब जी लिखण वाले भाई गुरदास जी दास जो बचन पढ़न लगा भाई गुरदास जी की बाणी नूं घट गाया जांदा पढ़िया जांदा भाई साहब जी की कलम भाई साहब जी की सोच अदुत्ती सोच है ब्रह्मज्ञानता वाली सोच है ये जड़े वचन हैं कि गुरसिखी उसकी प्राप्ति किवें हो सके
ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਰੂਪ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਮੋਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤਾਲਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ, ਸੁਖੈਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋ ਸਰਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਰੰਭਤਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਏ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਕੜ ਲਓ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਨਿਵ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਸਨ, ਉਲਾਹਨੂ। ਉਲਾਹਨੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ, ਗਿਲਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ। ਹੁਣ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ,
कि हे परमेश्वर तू मेरे नाल की कर रहे है। सोचने वाली गल है। इत्थे कुछ जरा जी भी सट भी लग जाए, किते प्रशादे पकौंदियां नूं हाथ भी सड़ जाए, कुछ हो जांदा है ते बंदा उलांभे दिन तुर पैंदा है। सतगुरु सारियां तकलीफां मैनूं ही दे जांदा है। ओ प्यारिया कदी ये नहीं सोचिया जदों साहबजादे नीह च खलोते सन, कभी उन्होंने पूछ के देखता तुहानू कोई उलांभा नहीं, तुसां तुहाडे वालों कोई गिला नहीं भी तुहानू दीवार च चढ़िया जा रहे। साहबजादियां नू त्यार बर त्यार करके जदों भेजते ने उन्होंने गिला नहीं आया, पिता जी कितने भेज रहे हो। पर मेरे दीन दयाल सतगुरु जिन्हों बारे भाई साहब भाई नंद लाल ने तो कमाल कर दिती सी, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज़्ज़ती मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। अखीर च जाके लिखते ने कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, सारे आखो मेरे नाल बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। धन कलगियां आले साहेब, जिथे छोटी जी उम्र च कहिंदे ने पिता जी जे तुहाडा तुहाडे सीस दित्तेआं इन्हां दा धर्म बचदा होवे अगों वो आप बच्चों नूं तोर रहे। वाह, कितनियां सिफतां बनदियां ने कलगी वाले दीआं। हाँ जी, 14 जंग लड़ियां ने मेरे सतगुर ने, 14 जंगां लड़ियां ने, ते एक जंग विच भी सतगुरु हारे नहीं, 14 दीआं 14 जितियां ने। बोलो सिरे, यो है मेरा बादशाह दरवेश, देख देख दे तनी सरबंत सदानी, संत सिपाही संगीतकार, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। केड़ी सिखी केड़ा मार्ग केड़ा रस्ते नाल जोड़िया है, भाई साहब जी सानू समझा रहे हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी, आओ पढ़िए सारे प्यार नाल। ओए मिठ बोला, ओए मिठ बोला, सारे पढ़े आज। ओए मिठ बोला, ओए मिठ बोला, सारे पढ़ो, ताकि मैं इस करके तुहानूं बेनती पिया करना जे माड़ी मोटी कोई कुरख साडी जबान है ते वो मिठी हो जाए, करो कृपा। ओए मिठ बोला,
ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ लेके न लेके होए मिठ बोला।
गुरसिखी दा सिखना सिखी दी अमोलकता की है। ध्यान नाल सरवण करिया जे बचन गुरसिखी दा सिखना गुरसिख सिखण बजर भारा गुरसिखी बारीक है गुरसिखी बारीक है खंडे धार गली अत पीड़ी गुरसिखी दा सिखना गुरसिख सिखण बजर भारा गुरसिखी दा लिखना की लिखोगे गुरसिखी बारे किदी किदी गल लिखो वचन समझण वाले ने साथ संगत गुरसिखी दा लिखना लेख अलेख ना लिखण हारा गुरसिखी दा तोलना गुरसिखी दा तोलना तुलना तोल तुलै तुल तारा सिखी दा देखना सुने हड बीती दस रहे गुरुद्वारा ग्रैंड रॉक न्यू जर्सी काफी पुरानी गल ये बचन है काफी साल हो गए चांजी चांजी उत्थे गुरु की सेवा हेड ग्रंथी सन आप जी ने हुणे चढ़ाई की है उन्हां दे परिवार माता जी थोड़ा चिर पहले दास उत्थे कीर्तन ते भी गया सी बहुत प्यार करते सन गुरसिख ते बड़े देखे पर उन्हां वर्गा गुरसिख भी कोई नहीं दूर दुराडे उन्हें जाना सी असी उस वक्त थोड़े दिन वास्ते उसे सेवा च आए सी ते बड़े प्यार से आखन लगे भी असा दो दिन लग जाने ने ते तुसी अमृत वेले की सेवा करो झटपट मेरे रसना तो एक गल मैं कह सतबचन जी धन भाग महाराज जी दे
प्रकाश की सेवा साढ़े तीन पौने चार बजे कहते ने होंगी है। मैं कोई गल नहीं जी, असी त्रै जने आए वा करांगे सेवा। सर्दी के दिन आही दिन सर बर्फा का ढेर लगे उस पास बर्फ पैंती भी बड़ी इन्होंने दिन अच बहुत बेअंत है। असी अमृत वेले उठे स्नान पानी किया महाराज जी के सुखासन साहब जी के कमरे तक पहुंचे। शीशा लगा सी ते मेरी निगाह हॉल च पाई ते मन में आ रहा भी ये संगत कितों आई है। साढ़े तीन दा समा ते सारा हाल खालसाही जहो जलाल विच सजिया बैठा है। बोलो सिरे ते मैं वेख रहा बड़ा हैरान होया कि इस वेले ये संगत ते कित्थों आई है। महाराज जी का सच्चे पातशाह की पावन पुत्र बीड़ सिर ते लई भाई जसवीर सिंह चौर साहब करन वाले इसे तरह ही महाराज सच्चे पातशाह जी नूं लैके आ रहे हैं ते जकारे बजने शुरू हो गए। और इन्नी आवाज पहले तो अंदरों बड़ा डर जा लगा घबरा भी गया पर एकदम सच्चे पातशाह ने जहन च आख्या ए कलगी वालिया तेरी खेड है कोई ये तू आप ही विचरता पिया है एवं लग रहा है। प्रकाश किया महाराज जी का हुक्मनामा लिया हुक्मनामा भी याद से मैं याद है टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल नित गायन शांत सहज रस मन उपजे सगले दुख भलाए। बड़ी बड़े साल पुरानी घट्टो घट्ट 20 साल तो हो गए बस जिस तरह ही हुक्मनामा लिया ते अरदास कीती ते सवेरे अमृत वेले उस तो बाद चंद जी आप ही आशा की वार लाउंदे होंदे सन। मैं कहा महाराज जी तुसी चिंता ना करो असी हाजरी भर मुड़ के असी आशा की वार भी लाई नेत्र बंद करके मैं आशा की वार भी लाउंदा रहा समाप्ति कीती अरदास होई वो जितना ही खालसाई पंथ बैठा सी सारा जा चुका सी। बोलो सिरे एहसास जरूर हो गया बाद चो मन में गल भी आ गई। मैं क्या नहीं ये सारे शहीद सिंह शहीद सिंह का पैरा ये अपने अखी देखे असल गुरसिख की पहचान इन्होंने नेत्रां ने डिटी
इस करके बार बार यही अरदास करदा मैं हमेशा सिख बनना थे पूरे बन जाइए अधूरे ना रहिए फिर इस जीवन की गति है नहीं तो कोई भाई साहब के बचन पढ़ लीए समा हो गया गुरसिखी दा तोलना तोलना तोल तुलै तुल तारा गुरसिखी दा देखना गुरमुख साध संगत गुरुद्वारा गुरसिखी दा चखना साध संगत गुर शब्द विचारा गुरसिखी दा समझना ज्योति ज्योत जगावन हारा गुरमुख सुख फल परम प्यारा गुरमुख सुख फल परम प्यारा ओए मिठ बोला ओए मिठ बोला ओए मिठ बोला ओए मिठ बोला गुरसिखी दा बोलना गुरसिखी दा बोलना ओए मिठ बोला लिखै ना गुरु मेर कर बख्शिश कर सतगुरां दे बख्शियो है मार्ग ते तुर सकी है सतगुरु साडी चोली गुरसिखी दा दान नाम दान दियां दातां प्रदान करन सरबत दा धन्नवाद भुल चुक दी क्षमा सारे फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सगल द्वार को छाड़ के गेहो तोहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तोहार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र दरबार की हाजिरी भर रहे सफरे शहादत धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के साहबजाद शहीदी को समर्पित ये दिन मना रहे गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी आओ फतेह की सांझ पाइए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ये सन साढ़े अति सत्कारयोग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी रंगीला जिन्होंने आप जी ने इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण करवाया आप जी दे जत्थे दा कोटान कोट धन्नवाद है जी मैं ज़्यादा बेनती नहीं करती सवेर दी असी बेनती रिपीट कर ही जा रहे हैं तो एक बेनती यह है कि कलों लंगर हॉल के संगतों के उपराले दे नाल बच्चों नू इतिहास जाणू करा रहे हैं नाले उन्होंने दस्तारा सजाइया जा रही हैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी होएगा फोटो बूथ भी होंगे तो एक क्विज भी होगा इतिहास मुतालिक आप जी ने बेनती कहती अपने बच्चों को लैके जरूर 10 बजे तो लैके 2 बजे तक लंगर हॉल के पहुँचो कल का जो 25 दिसंबर का दिहाड़ा है वो कीर्तन दरबार सारा दिन सजन गए फतेहगढ़ वाली जिहड़ी संगत है फतेहगढ़ के इलाके की संगत है वह हर साल की तरह अखंड पाठ साहिब की सेवा करके ये दिहाड़ा 4 साहबजादों को समर्पित किया जाता है जी कल उन्होंने सवेरे भोग पैणगे उस तो उपरंत नगर कीर्तन कटे जाणगे जो कि अंदर ही एक परिक्रमा की जाएगी आप जी ने बेनती की जाती ठीक 1 बजे वो शामिल होने वास्ते 26 तरीक नूं छोटे साहबजादियां दी शहीदी है कीर्तन दरबार सजणगे जी आप जी नूं बेनती की जाती आप जी जरूर उस दिन अपने बच्चों समेत पहुँचो जी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा 29 तरीक नूं आ रहा इस साल 26 तो लैके 29 तक प्रभात फेरियां कढ़ियां जा रही जिन्हां दा समां सवेरे 4:30 तो 5:30 बजे तक होएगा आप जी नूं बेनती की जाती आप सवेरे सवक्त आ के
प्रभात फेरियां दे विच शामिल होयो जी। 31 तरीक नूं शामा दे दीवान जिहड़े है 12 बजे तक चलणगे जी। नवे साल नूं जी आया कहा जाऊगा महाराज दी जी हजूरी दे विच। ते 1 तरीक नूं दीवान सारिया दिन ही सजणगे। आप जी नूं बेनती कीती जी आप नोट कर लो। हुण ठीक 5:30 बजे तक वाहिगुरु जाप होएगा। उस तो उपरंत शब्द चौंकी सौदा रहरा साहब जी के जाप किए जाएंगे, सरवण कराउणगे भाई साहब भाई लाखन सिंह जी। उस तो उपरंत अरदास बेनती ते शामा दे दीवाना दी शुरुआत करन वास्ते गुरु साहब दे अग्गों इजाजत मंगी जाएगी। आप इस तरह जुड़ के गुरु साहब जी ब्लैसिंग सिद्धा ही लेंदे रहो जी। भुलां चुकां की माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी।